फर्जी खबरें फैलाने का आरोप झेल रही यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मनीष कश्यप पर अब बिहार पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप के ट्विटर अकाउंट से खुशी से जेल जा रहा हूं ये ट्वीट किया गया था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर मनीष की झूठी गिरफ्तारी की खबर फैलाने को लेकर की गई है। हालांकि बाद में जिस ट्विटर अकाउंट से गिरफ्तारी की बात कही गई थी उसे एडिट कर दिया गया है और दावा किया गया है कि ये अकाउंट मनीष कश्यप के फैन का है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित रूप से हो रहे हमले को लेकर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। इस मामले में उस पर पहले से एफआईआर दर्ज है। मनीष का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है, लेकिन इस बीच उसके नाम का एक नया ट्विटर अकाउंट बनाया गया है और ट्वीट करके दावा किया गया है कि बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मनीष के हाथों में हथकड़ी लगी हुई एक तस्वीर भी शेयर की गई है। मनीष कश्यप के नाम से बनाए गए इस ट्विटर अकाउंट में लिखा था, मुझे खुशी है कि मैं बिहार निवासियों के लिए जेल जा रहा हूँ। कल रात 8 बजे के करीब मुझे गिरफ्तार किया गया। बिहार की जनता देख रही है कि कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जा रहा है। मैं ना रुका था ना रुकूंगा, वापस जल्द आऊंगा। इस ट्वीट को लेकर बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज की है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल बिहार पुलिस ने ट्वीट में कहा है कि तमिलनाडु में बिहार के कामकाजी लोगों के लिए असत्य और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रकरण में अभियुक्त मनीष कश्यप के द्वारा नए ट्विटर हैंडल पर अपनी गिरफ्तारी की फोटो पोस्ट की गई। ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक है। इस भ्रामक पोस्ट के लिए पुनः प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस के इस ट्वीट के बाद ट्विटर अकाउंट मनीष कश्यप 43 को एडिट कर दिया गया है और साथ ही दावा किया गया है कि ये मनीष कश्यप का अकाउंट नहीं है बल्कि उनके किसी फैन का अकाउंट है। और इतना ही नहीं, इस ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर फेक अकाउंट कर दिया गया है। इसमें बायो लिखा है, ये मनीष कश्यप फैन पेज है, फर्जी फोटो पोस्ट करने के लिए क्षमा करें, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं कि मैं इस तरह का काम फिर से नहीं करूंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध की इकाई थाना में कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। उन पर आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तो अब यूट्यूबर मनीष कश्यप की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि गिरफ्तारी की जो खबर थी उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो खबर उन्होंने नहीं फैलाई है, वो किसी उनके फैन के ट्विटर अकाउंट से फैलाई गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मनीष कश्यप को इस मामले में राहत मिलती है या फिर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में उन पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहता है।